एक आदमी थोड़ा जन अधिकार का सुप्रीमो पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस से पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि पप्पू यादव के ऊपर जो गाइडलाइन जारी किया गया है लॉकडाउन का, उस मामले को लेकर उल्लंघन का मामला संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि अगर जनता का सेवा करना अगर गलत है तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, वह भी सही है। पप्पू यादव ने लगातार जनता का बीच दिखते नजर आ रहे थे। इससे पूर्व भी पिछले वर्ष लगातार पप्पू यादव ने जनता को, कई समस्याओं से जूझ रहे लोगों को, गरीबों को इन्होंने सेवा करते नजर आए। सरकार से पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, किस जोर में आपको ले जाया जा रहा है, आपको क्या पता भैया, इनसे ना पूछिए। आप हटे, आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, चलिए आगे जाना मत पूछिए, बाला मत पूछिए, चलिए। लेकिन आज इन पर एक उल्लंघन का मामला को लेकर इसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पप्पू यादव को गिरफ्तार कर पटना पुलिस ने थाने पर ले जाया गया है। हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे पूछिए क्या है, आप पीछे पीछे प्लीज बाधा मत पहुंचे, प्लीज बाइक नहीं, गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में बाइक है, गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं लोग, ठीक है, हमने गिरफ्तारी कर अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर यह जनता सेवक पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, यह कितनी सच्चाई है या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता का सेवा करना गलत है तो इसे भी गिरफ्तार करना क्या गलत है या सही, या आने वाला समय बताएगा। पप्पू यादव ने कहा कि इससे पूर्व 2-3 दिन पहले मैंने एम्बुलेंस से संबंधित मामले को उजागर किया और वह डीएसपी साहब ये बताइए कि आपने पप्पू यादव को एम्बुलेंस से मामले को लेकर जितने भी लोगों की एम्बुलेंस है वह सेवा नहीं कर लोगों को प्रताड़ित कर किया जा रहा था, अगर इसे आवाज उठाना गलत है क्या? ले जा रहे हैं लोग इसी को, मामले को लेकर 2 दिन बिता नहीं कि तीसरी दिन हमारे ऊपर एक उल्लंघन का मामले से संबंधित मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुझे भी पता नहीं कि आखिर यह गिरफ्तार करना कितनी सच्चाई है, अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया है। फिलहाल यह जांच का विषय है, ये आने वाला समय बताएगा कि पप्पू यादव गलत है या फिर एम्बुलेंस की लोगों ने जो शव को ढोने के लिए दलाली कर रहे थे वो गलत कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन किए हैं आप। ये तो उनसे ना पूछेगा हमने कानून का क्या उल्लंघन किया, उनसे ना पूछेगा कि क्या कहेंगे, किस तरीके का रवैया जो सेवा करने का नतीजा है। पटना संवाददाता की खास रिपोर्ट। वीडियो बना अभी।
जाप सुप्रीमो जी पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर पटना पुलिस ले जा रही है। बाइक वाइक है, बाइक हटिए ना सामने से। कहाँ ले जा रहा है? बात करिए ना, वो हम लोग हट जाएंगे। हम लोग हट जाएंगे, चलिए ना। अब कह दी गई कि खाना तो जाना ही है, इस तरह से आराम से चलो, आराम से। चलो एक गाड़ी जाने दो, ये ना पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर ले जा रही है पटना पुलिस। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना की 5 थाना प्रभारी ने गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाना ले जा रहे हैं। हजारों पुलिस को गिरफ्तारी करने में लगा दिए हैं। देख रहे हैं आप लगातार जानवर को सटाया जा रहा है एक तरफ से, तरफ से बढ़ाओ ना यार। सर ये लाइव है, मजाक मत बनाओ, कोई भी चीज को मजाक मत बनाओ यार। जी जी, आगे बढ़ जाते हैं सर, हम आगे बढ़ जाते हैं। पटना के गांधी मैदान थाना लग गया है श्री पप्पू यादव जी को। उनके पेस से लाए तो हम छोड़ देते सर, यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे। तुम लोग समझ रहे हो सब चीज़, 20,000 लोग सर, 20,000 लोग देख रहा है सर, 20,000 लाइव है। बाकी लोग को भी समझा लेना। जी 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 जी, चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए, सिविल आदमी कोई ना जाएगा, सिविल आदमी कोई ना जाएगा, चलिए बाहर, सिविल आदमी कोई ना जाएगा, चलिए बाहर।